ये लाख डेढ़ लाख लोग जो मरे हैं ये तो उनकी हुकूमत में मरे हैं। यहां तो ये अभी जो नई पार्टियां हैं या अपोजिट पार्टियां हैं जो अपोजिशन में है, उनने तो किसी को अभी तक मारा नहीं। हाँ, लोगों को डरा रहे हैं, ये करेंगे, ये वो करेंगे, मगर खुद का जो इनने किया हुआ है उसको छुपा। वसूख के साथ कहता हूं, अगर कल को इनको कुछ सीटें आती है, ये पहले नंबर पे होंगे जो यहां से ही बीजेपी को जाएंगे कि हम आपके साथ हुकूमत करेंगे। बीजेपी को यहां मजबूत करने वाले जब हमको ये कहेंगे कि ये पार्टियां, नई पार्टियां, वो पार्टियां, ये ए बी सी डी, अरे आप तो खुद ए टीम हो जिसने बीजेपी को यहां पे लाया। अब्दुल्ला साहब एमओएस थे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में, उस टाइम जब गुजरात में नरसंहार हो रहा था, मुसलमानों को काटा जा रहा था, तो यहां पे बीजेपी के साथ खून बैठा हुआ था सेंटर में। हमारे इमोर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने तो गवारा भी नहीं किया कुर्सी छोड़ने की। एक ही गुजारिश है कश्मीर के अवाम से कि ये जो लोग पीएसए वाले हैं, ये जो लोग टाडा वाले हैं, ये जो लोग पोटा वाले हैं, ये जिन्होंने यहाँ पे इखवान खड़ा किया, अब हमको ये दरस दे रहे हैं कि आप इन्हीं को वोट दो, यही आपको बचाएंगे। इन्होंने पहले से भी गुमराह किया है लोगों को। आप देखिए हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनको देख लीजिए, 47 में प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद लोगों को गुमराह किया, रायशुमारी और 75 में अकॉर्ड करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे विराजमान। बीजेपी का जो कश्मीर का रीजन है, इसमें तो ये कुछ ले नहीं जा रहे हैं, मगर हमारी इफ्राजान फिर भी इस बात पे तुली हुई है कि नहीं जी, अगर आप हमको वोट नहीं डालोगे तो यहाँ बीजेपी जीत जाएगी। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है हमारी इफ्राजान, शायद उनका नाम है, अब आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इफ्राजान साहिबा को रखा हुआ है, आगे सामने रखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, हर एक को सियासत में आने का हक है, मगर मैं इफ्राजान साहिबा से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, अगर आप लोगों को सच बताना चाहते हैं तो पूरा सच बताया करें। सिर्फ आप एक पार्टी का उनको ये दिखाते हैं, अभी आप देखिए उन्होंने पहले ही कहा कि लार्जेस्ट पार्टी जम्मू एंड कश्मीर की हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मगर मुझे नहीं लगता, अगर ये रिकॉर्ड चेक करेंगे, लास्ट इलेक्शन 2014 के इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ यहां से जम्मू कश्मीर से 15 सीटें ली, और 15 सीट वाली पार्टी को अगर हम लार्जेस्ट पार्टी कहें, और वो भी अगर आप देख ले, 12 सीटें कश्मीर वैली से ली है और 3 सीटें उन्होंने जम्मू रीजन से ली है। अब जो इनका एक अच्छा ठीक है, उनका एक आर्ग्यूमेंट जो हमें सुनने में आया है कि 70% लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो जी नॉन बीजेपी वाले हैं, और जो 40% लोग हैं बीजेपी वाले हैं। यानी कि अगर देखा जाए उनके कहने के हिसाब से कि 40% वोट इंटैक्ट रहता है बीजेपी का वोट, और जो ये 60% है इसको डिवाइड करते हैं पार्टीज में। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही कह रही है हमारी इफ्राजान, मगर उनको ये देखना चाहिए, जब हम जम्मू और कश्मीर ये दो अलग रीजन्स की बात करें, कश्मीर रीजन में बीजेपी यहां खाता भी नहीं खोल सकती इन 47 सीट्स में। आप देखिए कोई ऐसी सीट मुझे नहीं नजर आ रहा है, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर वो कश्मीर में एक भी सीट जीते बीजेपी अपने नाम पे। यानी कि बीजेपी का जो कश्मीर का रीजन है, इसमें तो ये कुछ ले नहीं जा रहे हैं, मगर हमारी इफ्राजान फिर भी इस बात पे तुली हुई है कि नहीं जी, अगर आप हमको वोट नहीं डालोगे तो यहां बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, इफ्राजान सही कह रही है, अगर हम अब बात करें जम्मू रीजन की, जम्मू रीजन में 45 सीटें हैं, अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस में 45 में से 3 सीटें ली हैं, एक तो उनने नगरोटा की ली है दविंदर रैना साहब, वो भी अब चले गए इनको बीजेपी के साथ, अब उनकी 2 सीटें बची है मेंढर, और भी 1 सीट बची है इनकी बिश्ना, जहां पे कमल वर्मा साहब है और जावेद राणा साहब, ये 3 सीटें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कर सके, उसमें भी 1 तो चली गई दविंदर राणा की। अब मुझे बताइए कल को जो सेक्युलर वोट कटेगा, वो काटेगा कौन? वो आप देखिए कि अगर हम जम्मू की बात करें, चलो मान लेते हैं वहां है 40% इंटैक्ट होगा बीजेपी का वोट, मैं मानता हूं, मगर जो ये 60% है उसमें देखिए आप सेकंड नंबर पे बीजेपी को जो फाइट दे रही है वो कौन सी पार्टी है? वो वहां पे कांग्रेस पार्टी है। चलो हम मानते हैं कांग्रेस भी सेकुलर है, जरा मेरी इफ्राजान सिर्फ अपने उमर अब्दुल्ला साहब को, अपने फारूक अब्दुल्ला साहब को ये कहे कि यार वहां पे तो सेकंड नंबर पे रनर जो है ऑलमोस्ट सब सीटों पे कांग्रेस आती है, तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हम कैंडिडेट अपने उठाएंगे नहीं जम्मू से, जरा करके दिखाए अगर इनको सच में बीजेपी को रोकना है, मगर नहीं कर सकते।
यही चीजें हैं जो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने पहले से भी गुमराह किया है लोगों को। आप देखिए हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनको देख लीजिए, 47 में प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद लोगों को गुमराह किया, रायशुमारी और 75 में अकॉर्ड करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे विराजमान हुए। ये तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की हिस्ट्री है। अब आइए फारूक अब्दुल्ला साहब की हिस्ट्री पे, उन्होंने भी यही किया, अटोनमी लोगों को कहा और अटोनमी के नाम पे वोट मांगे, अटोनमी के नाम पे चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद इस अटोनमी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब उनके ही साहिबजादे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो 370 और 35 से रेस्टोर करने के लिए निकले हैं। अब मुझे बताइए 370 और 35 से अगर ये आपने रिस्टोर करना है, आप खुद ही कहते हैं कि इसके लिए हमें आगे आना है, अगर यही आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर लेना कि जम्मू में ना उठाए अपने कैंडिडेट्स, वहां जीतने दे सेक्युलर पार्टी जो सेकंड रनर अप है, मगर ऐसा वो करेंगे नहीं। इसलिए मेरी एक ही गुजारिश है कश्मीर के अवाम से कि ये जो लोग पीएसए वाले हैं, ये जो लोग टाड़ा वाले हैं, ये जो लोग पोटा वाले हैं, ये जिन्होंने यहां पे इखवान खड़ा किया, अब हमको ये दर्ज दे रहे हैं कि आप इन्हीं को वोट दो, यही आपको बचाएंगे। अब जो ये नई पार्टियों का इनका कहना है, जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पिछले 45 साल से यहां, ख्वाजा मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब की पार्टी है पिछले 45, हाँ 5 अगस्त 2019 के बाद भी पार्टियां यहां पे बनी, वो किस बहस्त पे बनी, उनके पीछे क्या, मैं ये नहीं कहूंगा, मगर एक चीज है कि डेमोक्रेटिक हक हर एक को मिलना चाहिए, कोई भी आ सकता है इलेक्शन लड़ने में, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर ये चाहते हैं कि यही खानदान जो पिछले 70 साल से यहां पे विराजमान है यही रहे, यही हमारे हमदर्द है, 1-1.5 लाख लोगों को कब्रों में भेजने वाले अभी भी, अब ये भी एक चीज है कि अगर इन्होंने, अगर ये इतने ही सिंसियर होते, 370 को उनने असेंबली में परमानेंट नहीं किया होता, इनने टेम्परेरी क्यों रखा, इनके इसके पीछे कारण क्या था, ये चीजें हैं जो आज भी लोगों को समझनी चाहिए। मैं नहीं कहता हम हर एक पार्टी की इज्जत करते हैं, हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना हक है, मगर जब ये मैडम साहिबा यहां पे आती है, मीडिया के सामने आती है और ये चीज कहती है कि बस हम ही है, अरे मेरे भाइयों आप एक चीज सोचो, आज तक बीजेपी को पहले लाया यहां किसने, जब उमर अब्दुल्ला साहब एमओएस थे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में, उस टाइम जब गुजरात में नरसंहार हो रहा था, मुसलमानों को काटा जा रहा था, तो यहां पे बीजेपी के साथ कौन बैठा हुआ था सेंटर में, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, इनने तो गवारा भी नहीं किया कुर्सी छोड़ने का। अब उसके बाद देखिए सोच साहब है, उसको पार्टी से क्यों निकाला गया, उसको पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। ये बीजेपी को यहां मजबूत करने वाले जब हमको ये कहेंगे कि ये पार्टियां नई पार्टियां वो पार्टियां ये ABCD, अरे आप तो खुद ए टीम हो जिन्होंने बीजेपी को यहां पे लाया, अब ये पार्टियां क्या करेंगी ये तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा, मगर आपकी तो हिस्ट्री है, आप तो इन्हीं के साथ रहे हैं, आपने तो इनको मजबूत किया है यहां पे। अब मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है यहां की आवाम से, यहां के लोगों से, इनके इस ये जो इन्होंने अपना एक और एक इस इफराजान को लाके लोगों को गुमराह करने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, इससे आप दूर रहे और इनकी असल पॉलिसी जो इनकी इनकी अंदर है, जो मैं वसूख के साथ कहता हूं, अगर कल को इनको कुछ सीटें आती है ये पहले नंबर पे होंगे जो यहां से ही बीजेपी को जाएंगे कि हम आपके साथ हुकूमत करें। अब मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि इनको पूछा करें, इनको अगर ये बाकी पार्टियों के बारे में पता तो कम से कम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का भी जिक्र किया करें, कम से कम फारूक साहब का भी जिक्र किया करें, कम से कम ये उमर साहब का भी जिक्र किया करें कि इन्होंने आज तक किया क्या, ये 1-1.5 लाख लोग जो मरे हैं ये तो उनकी हुकूमत में मरे हैं, यहां तो ये अभी जो नई पार्टियां हैं या अपोजिट पार्टियां हैं जो अपोजिशन में है उनने तो किसी को अभी तक मारा नहीं, हाँ लोगों को डरा रहे हैं ये करेंगे ये वो करेंगे, मगर खुद का जो इन्होंने किया हुआ है उसको छुपा रहे हैं। मेरी अब आवाम से यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है कि इनके इस कंजे में ना आए, और लोग क्योंकि आज समझदार है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज ये नहीं है कि ये पता नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या किया है, आज तो 75 साल पहले जो 75 में जो बयान दिया था आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, जब उनको कहा था आपने 22 साल ये कालकोठरी में गुजारे, आपने आप 22 साल बंद थे, तो फिर उन्होंने कहा ये 22 साल जो थे ये मेरी सियासी आवारागर्दी थी, आज ये भी सामने आ रहा है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे। मेरा यही कहना है
कि मैं अपनी इफ्रा जान को यही कहता हूं, जब भी आप मीडिया पे आए, जब भी आप कोई, तो आप कम से कम लोगों को दूसरा हिस्ट्री का दूसरा जो बाब है वो भी लोगों के सामने लाए कि आप लोगों ने क्या किया, उससे लोगों को, उस पे लोगों को कहे कि हमें माफी दो। मुझे नहीं लगता आप कश्मीर का नौजवान ऐसा है जो उनकी बातों पे यकीन करेगा।